हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, जैसे स्कीमा मार्कअप की सीरीज चल रही है, तो मेरा पहला वीडियो था वेब पेज स्कीमा आई बटन में, आप उसका वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद मैंने जो वीडियो बनाया था वो बनाया था ब्रेड क्रम स्कीमा आई बटन में, आप उसका वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया वो क्या था, वो था ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा आई बटन में, आप उसका वीडियो देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे लोकल बिजनेस स्कीमा, जो कि लोकल एसईओ हमारा होता है, जिसे हम गूगल माई बिजनेस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये स्कीमा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक कंफ्यूजन ये होती है कि लोग कहते हैं कि इस स्कीमा को कहाँ ऐड करना चाहिए। तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि जैसे मान लीजिए मेरी मेरा ये अकाउंट है, अब ऐसा है ना, जैसे मेरा अकाउंट है, तो मैंने जो इसमें बात करी है वो लोकल एसईओ की बात कीजिए कहिए अगर, और मेरी वेबसाइट भी, और वो मेरी वेबसाइट में ऐसे कहना चाहूँगा कि मैंने गूगल गूगल साइट से बनाई है, वो इतनी प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं है, बस ये एक वेबसाइट होनी चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मैंने वो वेबसाइट एक गूगल साइट से छोटी सी दो पेज की एक वेबसाइट बनाई है, अभी ये ओपन हो जाए तो आपको मैं दिखा भी दूँ। तो मेरी ये वेबसाइट है, तो मैंने गूगल साइट से वेबसाइट बनाई है, छोटी सी दो पेज की बनाई थी। आप भी बना सकते हैं अगर आपका बजट नहीं है और आप एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट कर रहे हैं और आप बजट नहीं है, तो आप एक छोटी सी अपनी साइट बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपकी कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की वेबसाइट है, बहुत अच्छी सी वेबसाइट है, ठीक है, और आप उसको आप उसको लोकल बिजनेस से भी हिट करना चाहते हैं कि उससे भी आए। तो अब जैसे हमने इसमें बात क्या करी, लोकल एसईओ सर्विसेज एक्सपर्ट इन दिल्ली, तो जो लोकल जीएमबी का पेज होगा उस पर, उसके बॉडी में आप ये स्कीमा डाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है फ्रेंड्स कि कई लोग बोलते हैं कि हमारी मल्टीपल लोकेशंस हैं, ठीक है, तो मल्टीपल लोकेशंस के लिए सबसे अच्छा वेबसाइट में क्या बोला जाता है कि आप दो से तीन पेज बना दीजिए उस वेबसाइट में ही मल्टीपल लोकेशन के लिए। कि जैसे मान लीजिए अगर दिल्ली में ही बात चल रही है, एक जीके में है, एक ईस्ट दिल्ली में, एक वेस्ट दिल्ली में, तो हम मल्टीपल, जैसे कहते हैं ना कि कोई वेबसाइट को मल्टीपल टारगेट करते हैं, तो उसके जैसे यूएसए यूके ऐसे पेज बना लेते हैं मल्टीपल कंट्री के लिए। तो मेरा सजेशन ये है कि आप उसमें दो तीन पेज बना सकते हैं, पूरी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और उसमें आप जैसे अगर जीके के तो जीके का एड्रेस डाल दिया, ईस्ट दिल्ली के तो ईस्ट दिल्ली का, कहीं आपका मतलब मान लीजिए लक्ष्मी नगर में है उसका एड्रेस डाल दिया, डेडिकेटेड डाल दिया, और उसकी बॉडी में वो स्कीमा लगाइए, वो वाला स्कीमा आप उसकी बॉडी में यूज़ कीजिए, तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी। बाकी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर हमारा अगर हम लोकल बाय बिजनेस से कर रहे हैं तो हम होम पेज के हेडर में डाल देंगे। तो जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा बताया था कि वो सारे पेजेस पर शुरू शो होगा, तो लोकल बिजनेस भी सारे पेजेस पर ही शो होगा। फिर आप ये भी कर सकते हैं, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या, बट बेस्ट मैं ये बोलूँगा कि जो पेज बिल्कुल डेडिकेटेड हो उस सर्विस के लिए, और जो सर्विस आप दे रहे हो तो उसके लिए आप लोकल बिजनेस का उसकी बॉडी में लगाइए। अदरवाइज़ अगर आप होम पेज के हेडर में भी डालेंगे तो वो पूरे वेबसाइट पर कॉल होगा, तो वो भी कोई इशू नहीं है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। तो ये तो बात हुई कि हम इस तरीके से कहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। बाकी वर्डप्रेस पे थीम डॉट एडिटर अपीरियंस में जाके, एडिटर डॉट पीएचपी में जाके आपकी ये फाइल होती है, उसमें हेड सेक्शन खत्म हो, हेड खत्म होने से पहले कहीं पे भी उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो ये होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। तो जैसे एल डी करके एक साइट है जो मैंने बताया था, ये लोकल बिजनेस स्कीमा इसका बहुत अच्छा है। इसमें सारे इन लोगों ने वो पॉइंट्स, वो सारे स्क्रिप्ट, वो सारे ऑप्शन दे रखे हैं जो एक आइडियली लोकल बिजनेस स्कीमा में होने चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस का टाइप है, तो अगर आप लोकल बिजनेस का टाइप देखो, अगर मैं अपनी वेबसाइट की बात करूँ तो मैं एक मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसमें मार्केटिंग सर्विस का कुछ भी नहीं है मैंने देखा है, लेकिन मुझे जो एक रेलिवेंस लगा वो प्रोफेशनल सर्विस लगा, प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्विसेज, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपना नेम दे सकता हूँ, नेम में जैसे यहाँ पे ऑटो फैच हो रहा है फ्रेंड्स, तो मैंने ऑटो फैच कर लिया, तो ऑटो फैच में भी मैं इसमें अगर देखा जाए तो ये गलत है, ऑटो फैच नहीं करेंगे। मेरा नेम जो है, इस बिजनेस का नाम क्या है, मैं पूरा नेम उठाऊंगा, यहाँ पे अपना नेम दे दिया। इमेज आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, जो इमेज हो, जिनका कोई लोगो वोगो हो, जिसकी कोई इमेज बनी हो, तो आप वो दे सकते हैं। मेरे ये लोगो है इसमें फ्रेंड्स, तो मैं एक बारी फ़ोटोज़ में जाके देख लेता हूँ कि अगर इसका पर्टिकुलर कोई अगर है यूआरएल, तो फिर साउंड्स गुड, अदरवाइज देखते हैं। तो मुझे इसका अगर लोगो का देखा जाए, एक मिनट ओपन इमेज न्यू टैब करके देखते हैं, तो मैं इसको चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको दे सकता हूँ ऐसे बार के लिए, ठीक है। यूआरएल
जो मेरा है वो आपका, अगर मैं देखूं यहाँ से, तो मैंने इसका यूआरएल ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, वो यूआरएल हम यहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने जैसे इसका बिटली से छोटा सा यूआरएल बना रखा है इस अकाउंट का अपने, पर ये तो जीएमबी अपडेट का है, जस्ट अ मिनट। तो मेरा यूआरएल जो था वो ऊपर था, वो ये था, इसको मैंने शॉर्ट कर रखा था। इस यूआरएल को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो आपका अकाउंट का यूआरएल होगा। इनवैलिड यूआरएल आ रहा है, जस्ट अ मिनट। तो फिर हम ये वाला यूआरएल यूज़ कर लेंगे प्रॉपर पूरा, ठीक है। प्राइस रेंज फ्रेंड, जैसे मेरा जो सर्विसेज की प्राइस रेंज रहती है अप टू 10K रहती है, अकॉर्डिंग टू द सर्विसेज। किसी को अगर नंबर का इशू आ रहा हो तो, कि नंबर अपडेट नहीं हो रहा, किसी को अकाउंट सेटअप कराना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अकॉर्डिंग टू दैट, या फुल आपको सेटअप करना होता है, तो जो मेरी प्राइस रेंज रहती है वो 5,000 to 10,000 रहती है मंथली। मंथली में ये होता है फ्रेंड्स कि मैं अगर पूरी सर्विसेज दे रहा हूँ आपको, आपका पूरा अकाउंट सेटअप कर रहा हूँ, फिर आपका पूरा ही हैंडल कर रहा हूँ, हर महीने मैं पोस्ट भी डाल रहा हूँ, वीडियोस भी डाल रहा हूँ, नैप साइटेशंस भी कर रहा हूँ, मैप सबमिशंस भी कर रहा हूँ, तो ये उसका है कि मेरा इस प्राइस के बीच में रेंज करता है कहीं ना कहीं। ये डिपेंड करता है कितने बिजनेसेस हैं और कितना बड़ा काम है उस हिसाब से, ठीक है। अब कंट्री है, कंट्री जैसे मैं दिल्ली में कर रहा हूँ, तो कंट्री में इंडिया ही लूँगा। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है फ्रेंड, जो मैंने यहाँ कॉपी करके रखे हैं, लेकिन मैं आपको तब भी बता देता हूँ कि ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आते कहाँ से हैं। आप अपने इस पे जाइएगा सेटअप पे, आपको कोई भी गूगल में बिजनेस हो उसका मैप ओपन कीजिएगा। मैप ऐसे ओपन होगा, जहाँ आपने लिस्ट करा होगा यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा और इसको कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ कॉपी कर लिया, तो ये पहला वाला तो हो गया लैटिट्यूड। ठीक है, और दूसरा वाला आपका हो गया लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब ओपनिंग्स और क्लोजिंग आवर्स हैं, फिर आप अपने अकाउंट पे चले गए, इसको हम बंद कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपने अकाउंट पे चले गए और आपने यहाँ पे देख लिया फ्राइडे, मेरा संडे भी ओपन रहता है, क्योंकि मेरा ये रहता है कि एटलीस्ट मैं काम नहीं कर रहा लेकिन मैं कॉल्स तो अटेंड कर सकता हूँ ना इस बीच क्लाइंट की, कि कोई उनका इशूज़ है, जो मेरे क्लाइंट एग्जिस्टिंग उनका इशू है, या कोई अगर मेरा क्लाइंट है वो अप्रोच करना चाहता है, मैं बोल सकता हूँ ठीक है भाई उस दिन मैं कॉल ले लूँगा, काम नहीं करूँगा, लेकिन आप मंडे आ सकते हो। तो मैंने अपना पूरा सनसेट आपको देख सकते हैं, संडे टू मंडे 9 AM to 9 PM है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिख सकता हूँ, यहाँ पे आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इसको ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि मैंने क्या करा, ये सारा यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, संडे बंद कर दिया और ये बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे को अलग अलग डिफरेंट आर्ट्स देने हैं, तो मैं इन सबको एक बार में सेलेक्ट नहीं करूँगा, पहले मैं मंडे करूँगा, तो मैं मंडे लिख दूंगा इससे लेके और मैं शाम के 5 बजे तक बैठता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ 17 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं ट्यूसडे सेलेक्ट करूँगा, तो देखिए ये मंडे का आ गया। अब ट्यूसडे का जो आया, ट्यूसडे का क्या आया, मैं 6 बजे तक बैठता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए मंडे ट्यूसडे, एक मिनट यहाँ मेरे से गलती हो रही है, एक मिनट, अगर मैं इसको करूँ केवल मंडे करूँ और एड ओपनिंग आर कर दूँ, तो ये मंडे का केवल आ गया, मंडे 9 to 18। हाँ, अब मैं यहाँ पे गया, अगर मैं पर्टिकुलर ट्यूसडे की बात करता हूँ, तो मैं ट्यूसडे को जैसे मैंने 09 कर लिया, और अगर ट्यूसडे को जैसे मंगलवार है या कोई भी होता है, जैसे अब जैसे कोई मुस्लिम है उनको नमाज़ पढ़ने जाना होता है, तो वो फ़ौरन एक टाइमिंग अप रख देते कि भाई मैं 9 से इतने बजे तक अवेलेबल, तो ऐसे मेरा ट्यूसडे है, मैं बोलूँगा मैं ट्यूसडे को भाई मैं 4 बजे तक अवेलेबल हूँ, तो मैं 1600 कर सकता हूँ। तो इससे भी बहुत अच्छा है आपका होता है कि आपने पर्टिकुलर डे के हिसाब से भी अपने अवेलेबिलिटी अपने गूगल माई बिजनेस पे तो रखी है और उसके अपने स्कीमा में भी रखी है। लेकिन क्या है, मैंने एग्जांपल दिया, तो देखिए ट्यूसडे का आ गया 9 से 16, 9 से 4, ये 9 से 6 आ गया मंडे का, लेकिन मेरा क्या है, मैं सारे टाइम ही 9 से 9 अवेलेबल रहता हूँ,
तो मैं इसलिए इस सब को क्लिक करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा। अब ये हमारे ओपनिंग क्लोजिंग आर्ट्स आ गए, ठीक है। अब ये ऐड डिपार्टमेंट का एक अच्छा ऑप्शन आया है, इसमें क्या है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये अभी ओपन क्यों नहीं हो रहा है, अगर मुझे ऐड डिपार्टमेंट करना हो, और एक मिनट, ये सोशल प्रोफाइल है हमारी, फेसबुक है, ट्विटर पे मैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, पिन इंटरेस्ट है, टम्बलर है, गिटहब है, और ये वेबसाइट है, ठीक है। अब मैं इन पे बारी बारी जाऊंगा, इनको ऐड करूंगा, फिर यहाँ पे ऐड डिपार्टमेंट का ऑप्शन अब ओपन हुआ, तो मैं अपने जाके ये सारे जो मेरी साइट्स हैं मैं उनको ओपन कर सकता हूँ। तो मैं इसके लिए अगर देखा जाए तो अपने चैनल पे जाके वहाँ से इन सबके लोगों एक बार मैं ले सकता हूँ। उसे ये एक जंक रिमूवल की साइट है कि जो हमारा वेस्ट होता है डेली का वो हम लोग, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे गया, मैंने यहाँ से साइट सारी कॉपी करनी शुरू कर दी। तो जो मेरी ये इसकी साइट है, वेबसाइट है, वो ये है। तो मैं इसकी हमारे पर मार्कअप पे गया, मैंने अपनी वेबसाइट का लोगो डाल दिया, वो यूआरएल डाल दिया। उसके बाद मेरा ये इंस्टाग्राम है, मैंने इंस्टाग्राम पर डाल दिया। उसके बाद मेरा फेसबुक है, मैंने यहाँ फेसबुक का यूआरएल डाल दिया। उसके बाद मेरा, इन्होंने गिटहब बोला था, गिटहब का मैं यूआरएल कहीं दूसरे अपने उससे ले लेता हूँ। और कौन कौन से यूआरएल इसमें पढ़ दें, यूट्यूब का है, यूट्यूब का मैं यूआरएल यहीं से ये पूरा यूआरएल कॉपी करके, ये YouTube का URL हो गया, LinkedIn का है, LinkedIn का URL ले रहा, Pinterest का URL इसमें नहीं है, तो मैं Pinterest का URL यहाँ से ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरे URL है, ये मेरा Pinterest का URL हो गया, ठीक है फ्रेंड। और भी यूआरएल इसमें हम डाल सकते हैं, जो भी हमें डालना हो, जो हमारे साइट्स हों, जो हम उन पे, जो इन पे हम काम कर रहे हैं, जैसे पिनिंटरेस्ट का हो गया। अब टम्बलर की बात है, टम्बलर का भी आप यूआरएल यहाँ से डाल सकते हो, पल्ट्री का भी है मेरा, गिटहब का ये रहा, ठीक है। उसके बाद मीडियम का भी आप डाल सकते हो, जो अभी आपकी साइट से जितना भी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एक स्कीमा बन के तैयार हो गया। फिर हमें ऐड डिपार्टमेंट, जैसे फ्रेंड्स ऐड डिपार्टमेंट ये अभी क्लिक नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या इशू आ रहा है इसमें, ऐड डिपार्टमेंट क्यों नहीं अभी क्लिक हो रहा है। तो ये ऐड डिपार्टमेंट का यह होगा कि हम कोई और डिपार्टमेंट भी इसमें इस स्कीमा में ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई डिस्पेंसरी है या कोई क्लिनिक है, उसका कोई डिपार्टमेंट है जो उससे जिसके टाइमिंग्स अलग हैं, जैसे कहते हैं ना रिपोर्ट्स कलेक्शन करना या ब्लड टेस्ट का करना, तो आप वो डिपार्टमेंट भी इसमें ऐड कर सकते हो और उसके टाइमिंग्स वगैरह भी डाल सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वो सारे हो गए। तो ये अब हमारा स्कीमा बन के तैयार हो गया। अगर मैं इसको कॉपी करूँ और अगर स्कीमा वैलिडेटर में चेक करूँ, तो हम इसकी स्क्रिप्ट एक बार चेक कर लेते हैं, इसे हम वेरीफाई करना भी कहते हैं। तो मैं वैलिडेटर पर गया और मैंने टेस्ट पे करा, न्यू टेस्ट, रन टेस्ट किया, तो जीरो एरर आ रहे हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए। और ये बहुत बढ़िया सा हमारा स्कीमा बन के यहाँ पे तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इसमें समझ आ गया होगा किस तरीके से हम गूगल माई बिजनेस लोकल SEO का स्कीमा प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद उस स्कीमा को जब हम प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन ये होते हैं कि भाई हमें कहाँ पे उसको पुट करना है। मैंने जैसे बोला कि अगर कोई आपका डेडिकेटेड पेज है वेबसाइट पे, से ही लोकल SEO की बात हो रही तो उसमें डाल दीजिए, अदरवाइज अगर आप होम पेज के हेड में भी डालेंगे तो पूरी वेबसाइट पे कॉल होगा, तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि लोकल SEO का स्कीमा है, उस कोई ऐसा कोई इशू नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा और लोकल SEO का स्कीमा हम पूरी वेबसाइट पर कॉल करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स
कोई भी इशू इसमें हो, कुछ आपको लगा हो जो मुझसे छूट गया हो या जो मैंने इसमें पता नहीं बताया हो उसमें कोई गलती हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा स्पेशली बनाऊंगा और इसमें जो आप गलतियां बताएंगे, जो मुझसे गलती हो गई है इसमें या कोई चीज़ में से छूट गई है, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप आपको फ्रेंड्स कंटेंट पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए नेक्स्ट वीडियो आप किस पे बना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।